अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में मोहम्मद इकबाल सोलंगी आपको खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे, आपके परिंदे भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मेरे कबूतरों में आ गया लकवे का वायरस, तो पूरे का पूरा खुडा तबाह हुआ। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्यों दोस्तों, जो दिल वाला परिंदा हो ना वो मर जाए तो बंदे को बहुत दुख लगता है और बहुत अफसोस होता है। तो ऐसे समझो अभी मेरा शौक अभी तबाह बर्बाद हो गया है। तो अल्लाह मालिक अल्लाह देगा और अच्छी से अच्छी चीज़ें देगा, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी दोस्तों। और गर्मी की शिद्दत इतनी है कि आज 4-5 दिन हो गए कि 50-51 सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है, तो इंसानों की तबाही हो रही है। तो अभी ये परिंदे हैं दोस्तों, अभी इतनी गर्मी में बंदा किधर लेके जाए कबूतरों को। तो अभी ये देख सकते हो दोस्तों, पूरे का पूरा मेरा खुडा खाली हो गया है, बहुत दुख लगा है। तो अभी सारे के सारे कबूतर ये बचे हैं मेरे पास, अभी अलग केज में बंद किए हुए हैं, तो आपके सामने हैं दोस्तों। और आधे कबूतर जो है वो लकवे में आ गए, आपको खुडा दिखाता हूँ, पूरे का पूरा खाली खुडा है ये पूरे का पूरे केज भरा हुआ था। और सारे के सारे उड़ान वाले कबूतर थे, जैसे भी मैंने आपको यूट्यूब में दिखाया था, तो सारे के सारे उड़ान वाले कबूतर थे। अब ये पूरे का पूरा खुडा खाली हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हो सारे के सारे कबूतर मेरे अभी यही बचे हैं। और 4-5 कबूतर बचे हैं दोस्तों अभी, जो यानी कि लकवे में और झोले में आ गए। तो अभी इनको अलग केज में, छोटे से केज में बंद किया हुआ है। तो दोस्तों इनको बदहज़मी हो गई है और पोटा इनका जाम हो गया है। और कुछ कबूतर हैं जो अभी पोटा जाम होने की वजह से इनको जो ना लकवा और सोकड़ा और झोला हो रहा है। तो जो भी दोस्त खास करके जो कबूतर बाज हैं वीडियो देख रहा है, तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि झोले और लकवे का कोई ऐसा बेस्ट इलाज हो या कोई बेस्ट वैक्सीन हो तो मैं इनको करूं। पहले भी मेरे कबूतरों को, पिछले साल 14 कबूतरों को लकवा हो गया था, तो उनमें अभी आधे कबूतर यानी के मर गए थे और 4-5 कबूतर अभी तक मेरे पास मौजूद हैं। उनको मैंने ज़िबा नहीं किया था, उनकी यानी के प्रॉपर ट्रीटमेंट की थी। तो आप दोस्त कमेंट में मुझे बताओ कि इनका क्या ट्रीटमेंट करूं और इनका कैसा इलाज करूं। तो इस बीमारी का कोई पता नहीं चाह रहा दोस्तों, खा पी सही रहे हैं और आधा घंटा घंटा गुजर जाता है, कबूतर बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाता है, जाम होकर बैठ जाता है। तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। तो बस आपको ले चलता हूँ मैं अपने कबूतरों के खुडे में दोस्तों। ये अभी आपको जो दिखाए हैं ये कबूतर यानी के सारे के सारे ये ब्रीडर कबूतर हैं, इसमें कुछ कबूतर हैं 4-5 उड़ान वाले बचे हुए हैं। अभी आपको ले चलता हूँ कबूतरों के खुडे में दोस्तों। उधर कबूतरों की बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है, तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये 200 कबूतर बचे हुए हैं अभी, बिल्कुल थोड़े से, जिनमें से आधे कबूतरों को लकवा हो गया और आधे कबूतरों को झोला हो गया। पूरे का पूरा खुडा खाली है आपके सामने दोस्तों, आप देख सकते हो, दीदार कर सकते हो, पूरा का पूरा खुडा तबाह बर्बाद हो गया। शौक यानी कि मेरा तबाह बर्बाद हो गया। तो अभी ये सामने जो कबूतरी बैठी हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कबूतरी थी, इसको अभी ताज़ा ताज़ा यानी कि लकवा हुआ है, इंशाल्लाह ये सही हो जाएगी। आगे ये मादी जो बैठी हुई है दोस्तों, इसको झोला हुआ है, झोले वाला कबूतर है जो बहुत मुश्किल सीधा होता है। आगे जो वो बुलंदी वाला कबूतर बैठा है उसको भी झोला हुआ है। तो वीडियो बनाने का मकसद था आप तमाम दोस्तों को मालूम देना। तो ये कबूतर था पिछले साल मेरे पास झोले में आ गया था, इसको मैंने ज़िबा नहीं किया था, तो अभी तक ये कबूतर सीधा नहीं हुआ, इसको हैंड फीड देता हूँ और दाना भी नहीं उठा सकता दोस्तों। इसकी पूरी कोशिश है किसी तरीके से दाना उठाऊँ, मैं दाना भी नहीं उठाया जा रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो खास करके जो कबूतर वाज है उनको पसंद आएगी। दुख तो बहुत लगता है दोस्तों जब कोई दिल वाला परिंदा मर जाए आँखों के सामने, और बेबसी के अलावा बंदा कुछ भी नहीं सकता, उसके आँखों के सामने कबूतर
मर रहा हो और बंदा शौकीन जो है उसको देखता रहे तो बहुत दुख लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ दोस्तों ऐसा हुआ है, जब कोई दिल वाला परिंदा मर जाता है ना दोस्तों, तो बहुत दुख लगता है, बहुत दुख भी लगता है और बहुत अफसोस भी होता है। तो दोस्तों आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरे का पूरा खुदा तबाह बर्बाद हो गया। अभी देख सकते हो इसको, मैंने ये मिट्टी भी लगाई थी, यानी कि अलालम ये कैसा कहाँ से वायरस आया है, ऐसा वायरस खतरनाक है कि पूरे का पूरा खुद मेरा शौक और खुदा तबाह बर्बाद हो गया। तो अभी ये पुरानी कबूतरी है मेरे पास, इसको भी यानी कि 2-3 साल पुरानी कबूतरी, इसको लकवा हुआ था तो लकवे के दर्द में आ गई थी। तो अभी ये ठीक है, बाकी जो जिनको नवा लकवा नवा झोला हुआ है दोस्तों, उनका तो फिर बहुत दुख और अफसोस होता है। दिल वाला कबूतर कोई मर जाए तो बहुत दुख लगता है, बहुत अफसोस होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक ये मोहम्मद इकबाल को जाता था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखना है दोस्तों।